किसानों से ये टकराएंगे और किसानों के हित में फैसला नहीं लेंगे तो किसान भी उनके लिए दरवाजा बंद कर देंगे। और यहाँ के किसानों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके शिटकनी भी लगा देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहां किसान हमारे अपना हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मिले, एमएसपी के लिए कोई ठोस फैसला हो, लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहती है। लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं, अरुणी जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करे, जिन्होंने मान छीना किसानों का, जिन्होंने मान छीना, याद होगा आपको जिस समय किसान अपने हक के लिए निकले और किसान चाहते थे उनकी बात सुनी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को जीभ से कुचल दिया। कहीं अगर ऐसा उदाहरण हो दुनिया में तो हमें बता दो, कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसानों को कुचला है, अगर उनका मान छीना है, तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जाना होगा, उनके उनका सफाया होगा। इधर जो फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, किसानों को अगर खाद की जरूरत है तो खाद नहीं मिल रही, बताओ किसान भाइयों खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, जिस समय भी आपको बिस्तर चाहिए अस्पताल में उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं? महंगाई आज आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आपकी कमाई आधी हो गई है। इस महंगाई में आपकी आधी कमाई है, क्योंकि डीजल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। जहां कमाई आधी हुई है वहीं महंगाई दो गुना हो गई है। बताओ हमें, अगर आधी कमाई होगी महंगाई दोगुनी होगी तो बताओ हमारा किसान और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे खुशहाल होंगे? कोई रास्ता बताए कैसे खुशहाल होगा? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवान साथियों कि ऐसी सरकार है, अगर कोई नौकरी मांगने गया होगा तो उसका लाठी से अपमान हुआ होगा नौजवान का। ये हमें दिख रहे हैं नौजवान बड़ी संख्या में, कोई उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं बची, रोजगार के अवसर नहीं है। जो नौकरी जहां मिलनी चाहिए थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। हवाई जहाज बेच दिया, हवाई जहाज जहां खड़ा होता है वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया, ये ट्रेन बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ नौजवानों, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? जो आपको अधिकार मिले थे वो कहां से मिलेंगे? ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाले को हवाई जहाज पे बैठा देंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, आज आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती इस महंगाई में। बताओ महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? पेट्रोल की कीमत 100 के लगभग हो गई कि नहीं हो गई 100 के पास? बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ गए हैं? और इस ठोको राज ने अपमानित किया है लोगों को। ये ठोको राज ने अपमानित किया है, ये
ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। लोगों के खेत चौपट हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। जहां किसान की खुशहाली हो, यहीं पर प्रधानमंत्री आए, यहीं पर मुख्यमंत्री आए, बताओ किसानों का गन्ने का बकाया है कि नहीं बकाया है? आज भी बकाया है। हम अपने किसानों को कह करके जा रहे हैं, मुझे याद है वो समय जिस समय किसानों के ऊपर संकट आ गया और चीनी मिल पैसा नहीं दे पा रहे थे, उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों का भुगतान कराने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के मदद के लिए और किसानों का बकाया न रहे उसके लिए अगर अलग से भी बजट दे करके किसानों के लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा तो हम लोग मिल करके करेंगे, जिससे किसानों का बकाया ऐसा न रहे। सरकार अगर भुगतान कर सके तो सरकार भुगतान करेगी। जब बिजली को लेकर के जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ? ये बिजली का बिल आ रहा है तो करंट लग रहा है। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का नाम नहीं रख पाए हैं। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए हैं। बताओ अभी तक नाम बोल पाए कि नहीं बोल पाए? जो नाम नहीं रख पाए, नाम नहीं बोलते, वो बिजली क्या सस्ती करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग और आरएलडी मिलकर के आने वाले समय में सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए इस सभा में मैं बधाई देता हूँ, हमारे नौजवानों की ऊर्जा मैं देख रहा हूँ। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। ये सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं। और वही दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, बताओ जाने वाले ही है सरकार के नहीं जाने वाले? जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है।
और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं, इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और चिलम जी भी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं, जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं, इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रख सकें। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूं, यहाँ के किसानों का और किसानों को बधाई देता हूँ।